नेता को बोलियो फर्स्ट एड लाके दे। So it's almost around 4 p.m. in the evening and still the humidity level is very high here at Andaman and we just check inside Neel Island also known as Shaheed Deep. Macruise ne hum logo ko within 1 hour pahuncha diya from Havelock to Neel Island. 45 minutes mein. Coming outside from the jetty, you can avail auto here and directly go to hotels. And if you want to take scooty, then you can also hire that thing. But abhi hotel chalte hai kyunki luggage ka weight bhi bahut bhari hai, to luggage rakh ke स्कूटी लेके हम लोग कहीं पे निकलते हैं। सो वी आर हियर एट लक्ष्मणपुर सनसेट बीच, लक्ष्मणपुर 1। वी आर नॉट क्वाइट फॉर्चुनेट एनफ बिकॉज सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक टाइम में भी ज्यादा कोई फायदा नहीं होता बिकॉज पूरा क्लाउड कवरिंग है। सो वी हैव एक्चुअली प्लान फॉर अ रेस ऑन द बीच। लेट्स डू दैट। लेट्स रेस। 1 2 3। सो वॉट आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस बीच इज यहाँ पे परफेक्ट कैंडल लाइट डिनर का सेटअप है। दिस इज वन, दिस इज अनदर वन। Till now you have seen a lot of footage of sea. Let me show you some of the nightlife of Neel Island. So a very good morning from Neel Island. Looks like another promising day is waiting for us. Temperature is like around 27-28 degrees, quite humid here. So now our plan is to reach at Bharatpur Beach, the main happening beach here in Neel Island, where all the sporting activities take place. Aaj to kuch sporting activity karne ka man nahi hai, but Arnav can do snorkeling. Main bhi dekhta hu, wahan jaake decide karte. Like Havelock, here also we have rented a scooty for the entire day. This is TVS Jupiter model, 500 rupees for the entire day. So petrol bharo और निकलो। सो जस्ट रीच्ड एट भरतपुर बीच एंड दिस इज द मेन एंट्रेंस पॉइंट। हियर यू कैन सी ऑल द वाटर स्पोर्टिंग एक्टिविटी आर लिस्टेड हियर, लाइक ग्लास बॉटम बोट 800, स्नॉर्कलिंग विद फुल मास्क 1000, बनाना राइड, जेट स्की, ऑल आर अवेलेबल हियर। ये भरतपुर बीच एट नील आइलैंड इज द लाइक मेन हैपनिंग बीच यू कैन से। हम लोग अभी ने डिसाइड किया है कि लाइक वी विल डू स्नॉर्कलिंग, तो वो बाकी है, वो भी कर लेते हैं। वन थिंग एज यू कैन सी, द कोस्ट गार्ड हियर आर वेरी मच एक्टिव एंड दे आर ट्राइंग टू वर्न द टूरिस्ट हु हैव गॉन मच बियॉन्ड लेवल। तो आप लोगों का नजर हमेशा रहता है ना टूरिस्ट लोग जहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ तक मतलब सेफ जोन है? स्विमिंग करना है तो फ्लोटिंग जेटी का राइट साइड जाना। अच्छा, फ्लोटिंग जेटी का उस साइड, ये साइड थोड़ा डेंजरस है क्या? डेंजरस है, बोट का एंकर डाल के रखे हैं। अच्छा अच्छा, लग जाएगा वो तो फोन लेके चले गए एकदम। दिस पीपल आर देयर टू हेल्प यू। तो ये भरतपुर बीच का जो फ्लोटिंग ब्रिज है वहाँ का एंट्री पॉइंट है। वहाँ आगे जाके आप जितना भी वाटर स्पोर्टिंग एक्टिविटी है वो कर सकते हो। ये भरतपुर का जो नील आइलैंड का पानी है ये और भी क्रिस्टल क्लियर है कंपेयर टू हैवलॉक आइलैंड एलिफेंटा बीच। यहाँ पे पानी लाइक स्लाइटली शैलो और थोड़ा वहाँ पर जाके जहाँ पर बोट्स आप लोगों को दिख रहा है आगे, वो थोड़ा डीप पानी है, वहाँ पर जाके होगा एक्चुअल वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी और स्नॉर्कलिंग का एंट्री पॉइंट भी वहीं पर है। So we are actually planning to walk alongside beach and take a proper hyperlapse shot. So ready for the hyperlapse shot? 1 2 3 Even now you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath,
So we are all set, ready to do snorkeling. So this boat will take us to the middle of the sea, where we'll do the actual snorkeling part. वो बाहर से है क्या? नहीं अंदर से ही है सर, पानी के अंदर दिखने नहीं देगा आपको। So then with snorkeling, it was way too good. रिंग को ऊपर से निकाल लीजिए. रिंग को ऊपर से निकाल दो. हाँ ग्रीन. स्नॉर्कलिंग होने के बाद मैं और अर्णव ने डिसाइड किया यहाँ पे थोड़ा बहुत कहाँ पे है, ठीक है, पानी इतना भी गहरा नहीं है. आज यही है हम लोग का स्विमिंग पूल. चलो वी बॉट दिस फ्लोटर फ्रॉम अमेज़न. वी आर ए बिट स्केप्टिकल बट अभी लाइव टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं. ये वैसे मैं छोड़ दिया. देखो इट इज प्रॉपरली फ्लोटिंग. सी वाटर जब भी आंखों में जा रहा है ना, आई एम फीलिंग दैट इरिटेशन. इतना देर पानी में नहीं रह सकता, जाना पड़ेगा. वीडियो ले तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा. So after completing a hell lot of sporting activity in the morning at Bharatpur Beach, it's time to have some proper lunch and we are here at Andaman Restro. And आप पीछे देख सकते हो पूरा रेस्टोरेंट खाली है. मैं और अर्णव only having our food. And this is the food for today, like kadai chicken and roti. This is butter roti, this is normal roti. After completing lunch, we will be rushing towards Lakshmanpur 2 Beach. So we need to finish it as early as possible. So we are here at Lakshmanpur 2 Beach and here we will be covering that natural breach formation. So right now our guide suggested that it's high tide time. So थोड़ा देर wait कर जाते हैं. थोड़ा 40-50 मिनट वेट करने के बाद ये लो टाइड होगा और बोल रहा है कि वो जो वेव देख रहे हो दूर तक, वहां तक पानी चला जाएगा. जितना सूखा होगा एडवांटेज वही है कि मरीन लाइफ जो है, फिशेस वगैरह कोरल्स, वो अच्छे से दिखेगा. यहाँ पे देखिए सर, ये जो मर्जा दिख रहा है सर, ये सारे डेड कोरल है. जैसे 2004 26 दिसंबर को सुनामी और भूकंप आए थे ना, सामने देखिए सर बहुत सारा टूटा वाला कोरल दिख रहा है सर, ये सारे डेड है. कोरल्स बनते हैं सर एमीबा और कैल्शियम से, इसीलिए सर लिविंग कोरल को टच करना अलाउ नहीं है सर. तो ये सारे डेड कोरल, ये सारे डेड कोरल है सर. सो दीज आर ऑल डेड कोरल्स. कुछ मिक्स करके तभी नशा बनते हैं सर, ऐसे नशा नहीं हो. अच्छा, दिस इज लाइक जंगली पाइनएप्पल. So right now it's almost around 4:45 and due to low tide we are good to go to the breach formation which is the main attraction point of Neel Island. भैया तो इधर जो भी वो ब्रिज जो है, नेचुरल ब्रिज फॉर्मेशन, वही देखने के लिए सब लोग इधर जाते हैं जी. इसका साथ में है अगर
वो नहीं सर, ब्रिज के लिए सर आपका गाइड नहीं चाहिए, जो यहाँ पे अच्छा। मेरिंग लाइफ है सर, उसके लिए गाइड चाहिए। अच्छा जी सर, जैसे यहाँ पे हम लोग स्टारफिश दिखाते हैं, सी कुकुम्बर, लिविंग कोरल, कोरल का एक फ्लावर है, टच करने से अंदर चला जाएगा, दोबारा रिटर्न आएगा सर, ऑयस्टर जिसमें से रियल पल बनते हैं, हजारों फिश रहेगा सर, आप कुछ भी करा सकते हैं अपने हाथों से सर। तो गाइड लेने का यही मतलब है कि आप इफ यू आर कमिंग लाइक विदाउट गाइड तो आपको मेरिन लाइफ दिख नहीं पाओगे आप, लाइक ये लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड है तो आप लोग बहुत नज़दीक से आप लोगों को दिखाएगा। तो थोड़ा संभल के हम लोग को चलना पड़ेगा बिकॉज ड्यू टू लो टाइड ये जो कोरल जितना भी है डेड कोरल्स ये सब बाहर आ गया है। सर इस तरफ से आ रही, इस तरफ से हम लोग अभी शॉर्टकट मार रहे हैं, ठीक है, गाइड लेने का यही सुविधा है। सो ये ब्रिज टू द नेचुरल ब्रिज फॉर्मेशन एट नील आइलैंड, यही है नेचुरल ब्रिज, ये पूरा कोरल का है सर, माउंटेन कोरल का नेचुरली फॉर्मेशन हुआ है, हवा और पानी का प्रेशर की वजह से बीच में से कटमर हो गया सर। ये पहले से ऐसा था? पहले से, मेरा जन्म सर यही आइलैंड पे, बचपन से देख रहा हूँ इसी को, इसी तरह ही है, सुनामी और भूकंप में भी कुछ भी नहीं हुआ सर, धीरे धीरे पानी पीछे जाने लगे, उसके प्रेशर की वजह से बीच में से कटमर हो गया सर। चलिए अभी सबसे पहले हम लोग कोरल देखेंगे सर, कोरल लिविंग कोरल देखेंगे, अलग अलग शेप में होगा सर, अलग अलग नाम है। Feeling behind my eyes, you stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer, I met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. तो अभी भैया हम लोगों को कोरल्स दिखाएंगे, उसी के लिए आगे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। कॉलीफ्लावर कोरल है, सब लिविंग है सर। कॉलीफ्लावर कोरल, कॉलीफ्लावर कोरल सर, जा सकते हैं? जा सकते हैं आराम से। सो दिस इज आपका जैकफ्रूट कोरल, ये है तो पर पानी नहीं रहते सर, ऊपर का डेर है, नीचे तक लिविंग है सर। ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल सर। ब्लैक और ऑरेंज में दिख रहा है सर, एक टच मिनट मैजिक फ्लावर, टच करने का साथ अंदर चला जाएगा, कुछ सेकंड बाद बाहर आएगा, टच करिएगा तो घर से बाहर आएगा। दिस इज मैजिक फ्लावर, हां चला गया अंदर, टच करने से अंदर चला गया, बाहर आएगा सर। अच्छा ये भी डेड कोरल है, कैंसर का मेडिसिन बनता है। सो यू वांट टू सी ऑयस्टर, लेट मी शो यू दिस वन राइट सर, यही है सर ऑयस्टर जिसमें से रियल फल बनते हैं मोती सर, इसका अंदर में सर सीधे अगर आपका उंगली चले गया, उंगली राउंड से काट देंगे सर, इसको बंद करने का तरीका देखिए सर, ऑयस्टर अंदर चला गया, ये दो दिख रहा जो क्लैम थैल है सर, ऑयस्टर अच्छा। अंदर में है तो इधर से ये कलेक्शन होता है? नहीं नहीं सर, यहाँ से नहीं, अलाउ नहीं है यहाँ पे, यहाँ से कुछ भी पार्ले जी है सर फिश फीडिंग करने के लिए, हाँ इनमें दीजिए जहाँ पे बिस्कुट गिरा है, सारे जेब्रा फिश है सर, वहाँ से सब फिश आ गया। व्हाइट में जो दिख रहा है सर सिल्वर फिश है, और जो दागी दागी वाला सर ये जेब्रा फिश है सर, जेब्रा फिश, जेब्रा फिश क्या है सर, दूर चला गया वहां पर। हियर यू कैन सी स्टार फिश दैट येलो कलर वन, एट द सेम टाइम हियर सनसेट इज गोइंग ऑन, so beautiful and calm the atmosphere is. यहाँ पे देखिए सर छोटा सा एक लिविंग शंख दिख रहा है सर, ये धीरे धीरे बहुत बड़ा होगा सर, इसका अंदर का जो एनिमल हो तो इसको भी लोग खाते हैं। देखिए सर दूर में जो दिख रहा है सर वो ट्रैकिंग पॉइंट है सर, दैट वन दैट फॉर्मेशन, यस सर, अगर उसके ऊपर चढ़ गया सर वो जन्नत है सर, एक हिसाब से बोले से वो जन्नत है सर, ये इसके ऊपर चढ़ने से नीला लाइन का आधा भी दिखते हैं सर, रिटर्न आने के लिए 1 आवर चाहिए सर। सो वी आर एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स अनदर फिश फीडिंग पॉइंट। Bro, what's up?
अंदावन इज अ स्मॉल प्लेस, बहुत स्मॉल प्लेस। मुलाकात ही हो रहा है सिर्फ आपसे नहीं और बहुत जन से ऐसा मुलाकात हो गया। बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, अभी बढ़ेगा। अभी टाइट होगा ना, फिशेस देखने मिला, लो टाइट होगा ना। अच्छा, बिस्किट को पकड़ के सर पानी के अंदर रखिए, पूरा नहीं करना सर, नीचे करिए। ये देखो, अरे भाई पिकनिक मनाने आ जाओ, आ जाओ सब, आ जाओ पिकनिक मनाने आ जाओ। बिस्कुट जो है हमारे जेब्रा पीस है सर, वहाँ से पीस आ गया। ये भी फ्लोर सुंदर না না নেই কথা আসবে না আরো কাছে আরো কাছে ঘোরা যাবে আরে না আমাকে ধরতে হবে না ছাড়ুন 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 স্যার মাই নেম ইজ শুক্লাল দাস ফিলহাল গাইড কা কাম করতা হুম স্যার মেরা খেতি বাড়ি ভি হ্যায় স্যার মে খেতি বাড়ি বন্ধ কর দিয়ে স্যার টুরিজম প্লেস মে আ গয়া মে গাইড কা কাম করতা হুম পেশন কে রাখো ভাইয়া কো কভি ভি আ রহে হো তো নীল আইল্যান্ড তো ভাইয়া কো কন্টাক্ট করনা আপ কহাঁ পে ব্যাঠতে হো ব্যাঠতে হ্যায় স্যার মেরা এক শপ ভি হ্যায় স্যার ভাইয়া কা এক শপ ভি হ্যায় জো সিঁড়ি হ্যায় না ইয়ে নিচে উতরনে কা টাইম ওয়াহ পে হ্যায় স্যার একদম লাস্ট শপ I met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. So we are here at Vibes and Dives near Sitapur Beach. ये दिखने में तो बढ़िया लग रहा है, अभी खाना खाने के बाद टेस्ट करके इसको बोलते हैं कि like how it was been prepared. So here comes our second item, peri peri chicken sizzler. चिकन राइस वेजिस एंड फ्रेंच फ्राई। सो इट्स मॉर्निंग अराउंड 5 AM एंड वी आर हियर एट सीतापुर बीच फॉर द सनराइज। हम लोगों ने 4 बजे उठा और भाग के एकदम स्कूटी से जल्दी आ गए क्योंकि ये सनराइज मेरे को और अन्नम को मिस नहीं करना है। देखो उसी के लिए भीड़ पूरा जमा हुआ है यहाँ पे। इतना सुंदर लग रहा है ना ये पूरा कलर चेंज। नाउ जिसके लिए अभी हम लोग सीतापुर बीच में इतना सुबह आए वो फुलफिल हो गया। नाउ इट्स टाइम टू चेक आउट द टाइम लैप्स फुटेज। 1 2 3 सो इन सीतापुर बीच द क्राउड्स प्रेफर टू स्टे एट द स्टार्टिंग पॉइंट टू सी द सनराइज बट माई सजेशन विल बी टू नॉट ओनली लाइक वेट एंड वॉच फॉर द सनराइज but you also come at the extreme point on the other side of the beach. See here the crowd is also very less. Here you can take unlimited photos. Koi disturb karne wala, view block karne wala koi nahi hai. Sunrise ke time pe hum log wo point pe the jahan pe mera ungli dikh raha hai na wahan pe. Wahan se paidal chalte hue hum log abhi extreme dusre side pe aa gaye. Also one thing I wanna know from you people, Neel Island पे जितना भी beaches है Lakshmanpur, Bharatpur, Sitapur, why these names are all on the based of Ramayan characters? If you know, then do let me know in the comment box. So Arnav is suggesting that we need to cross this path as soon as possible because high tide का time हो गया तो इधर पूरा पानी से भर जाएगा। I need to mind my steps. Okay, got it. अभी थोड़ी देर बाद ये पूरा जगह पानी से भर जाएगा तब हम लोग इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। सो हियर कम्स द रीज़न वाई आई वॉज सजेस्टिंग दिस पर्टिकुलर एंड ऑफ द बीच बिकॉज हियर इज़ ए नेचुरल केव फॉर्मेशन। सामने समुंदर, उधर जंगल एंड दिस वन इज़ द केव। कब से बना हुआ है ये तो मेरे को पता नहीं पर दिखने में ऑसम लग रही है भाई। Cold eyes,
get me, but they won't see me cry. This fight wasn't made for everybody. So before signing off from Sitapur Beach, one important advice for all of you. So if you are coming here, don't take away any corals from any of the beaches at your hometown. Because first of all, jo cheez jahan ka hai, wahi rehne do. Second thing, the airport authority will definitely impose fine on you if they find out you are carrying corals. So do keep that in mind before coming here. मेरे को अभी याद आया, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन द रिव्यू ऑफ दिस लक्ष्मी कॉन्टिनेंटल रिसॉर्ट एट नील आइलैंड. वहाँ पे 1, 2, 3 तीन रूम है, नीचे और भी 3-4 रूम हैं, और ये सारे एसी रूम्स हैं. ठीक है, इसका प्राइस हम लोगों को आया 2200 पर नाइट. द रूम इज़ क्वाइट स्पेसियस. यहाँ पे एक्स्ट्रा बेड भी लगा के रखे हैं, अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो आप उसको ट्रिपल शेयरिंग भी कर सकते हो. If signing off from Havelock was tough, then saying goodbye to this beautiful small Neel Island is way more tougher than Havelock. So with that said, aaj ke liye vlog ko yahi pe khatam karte hain. I hope you guys have really enjoyed this entire Andaman series and especially this small, beautiful, cute island, Neel. Stay subscribed to my channel, The Bong Wayfarer, to get notified about our upcoming travel vlogs. Besides, you can follow me on Instagram as well as iamroy92. Till then, goodbye, take care, see you soon.